आइए और जानकारी लेते हैं। आज जो है एक जिम्मेदारी मिली हमारे बीच में, जो जेंट्सों को, जो पुरुषों को जिम्मेदारी मिली, वहाँ कहीं महिला भी कम नहीं है। हमारे बीच में अनीता उज्जैनवाल, इनको भी आज सफाई आयोग की तरफ से इन्हें सदस्य बनाया गया या मेंबर बनाया गया। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है एक महिला होने के नाते, इसको वो कैसे निर्वाह करेंगे। मैडम, आपका एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, आज को आपको मंत्री साहब ने ये जिम्मेदारी दी है, आप इसको कैसे निभाएंगे? दिल्ली सरकार और मंत्री जी के माध्यम से हमें जो ये जिम्मेदारी मिली है, हम इस जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे। और महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है, मैं महिलाओं को देखती हूँ, जहाँ भी स्कूलों में महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या वैसे सरकारी जो महिला लगी हुई हैं उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती और उनकी बहुत सारी समस्या है, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को बखूबी अच्छी तरीके से निभाऊंगी मैं। मतलब आपने बोला है कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, वो शोषण किस प्रकार से हो रहा है? नहीं, वो शोषण इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि जो महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या सरकारी में लगी हुई हैं, जो ठेकेदार हैं, जो महिलाओं के साथ मतलब बहुत अन्याय करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। मैंने स्कूलों में जाकर भी देखा हुआ है, कई महिलाओं की मेरे पास शिकायतें भी हैं और उनकी मतलब कंप्लेंट भी है और उनकी एप्लीकेशन भी मेरे पास है। तो मैं ये समस्या बहुत दिनों से देख रही हूँ और मैंने कहा अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है, अगर मेरे हाथ में कोई पावर आती है, तो मैं उनकी समस्याओं पर खरी उतरूंगी और उनको न्याय दिलाऊंगी। आप पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगी? जैसे अभी आपको आपने बोला कि मेरे पास कई शिकायतें आई हुई हैं, तो उन शिकायतों का मैं निवारण करूंगी, तो आपको इतना एक जिम्मेदारी मिल गई। आपको अभी मंत्री जी ने सभी के समक्ष बोला है कि आप स्वतंत्र हैं उन कार्यों को करने के लिए, तो हम ये पावर सबके साथ मिलके और सबके सहयोग से मिलके, और जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे समाज के लोग हैं और हमारे मंत्री हैं, हमारे जो भी विधायक हैं, हमारे जो भी हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ सबके साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सफाई कर्मचारी महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जो आपकी समस्या है, वो समस्या तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ समस्या उनकी ऐसी हैं जो उनके घर से भी होती हैं, कुछ बाहर से भी होती हैं, तो उनको हम समस्याओं के समाधान को उन पर मद्देनजर रखते हुए उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं पर साथ उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कितना समय देंगी आप उनके साथ में? मैं फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं रात दिन एक करके और सबके साथ मिलकर, अगर रात दिन भी मुझे काम करना पड़ेगा तो मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं सबके साथ मिलकर ही काम करूँगा। धन्यवाद।